ड्रोन यूएवी तकनीक के क्षेत्र में जिले के युवाओं को प्रशिक्षित कर तकनीक की मुख्य धारा से जोड़ने हेतु जिले के नवाचार प्रोजेक्ट पंख के द्वितीय बैच का शुभारंभ सोमवार 8 जनवरी को दोपहर 2 बजे से विष्णु दत्त शर्मा खजुराहो सांसद के मुख्य आतिथ्य में शासकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज कटनी में किया गया। इस दौरान सांसद विष्णु शर्मा ने छात्रों द्वारा बनाए गए ड्रोन को हवा में उड़ाया। बता दें कि खजुराहो सांसद विष्णु दत्त शर्मा ने प्रशिक्षित छात्रों से हॉल में लगी प्रदर्शनी में ड्रोन इंस्ट्रूमेंट के विषयों में जानकारी ली। इस पूरे कार्यक्रम में विधायक विजय राघवगढ़, विधायक मुड़वारा संदीप जायसवाल, विधायक बहोरीबंद प्रणय प्रभात पांडे एवं विधायक बड़वारा धीरेन्द्र बहादुर सिंह मुख्य अतिथि के रूप में इन्होंने शिरकत की। इस दौरान विशिष्ट अतिथि के रूप में नगर निगम महापौर प्रति संजीव सूरी, जिला पंचायत अध्यक्ष सुनीता मेहरा, नगर निगम अध्यक्ष मनीष पाठक सहित भाजपा जिला अध्यक्ष दीपक टंडन सोनी की मौजूदगी रहेगी। विकसित भारत संकल्प यात्रा में मैं कटनी के अंदर सम्मिलित हुआ और मुझे गर्व है कि विकसित भारत संकल्प यात्रा में माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो संकल्प दिलाया है और बार बार माननीय प्रधानमंत्री ने कहा कि ड्रोन टेक्नोलॉजी में भारत के अंदर जो क्रांति आज आ रही है उसमें ड्रोन दीदी बना करके देश के अंदर एक नई ताकत और नई ऊर्जा खड़ा करने का काम माननीय प्रधानमंत्री जी जो कर रहे हैं, मुझे गर्व है कि आज कटनी के जिला प्रशासन ने जो पंख प्रोजेक्ट के माध्यम से ड्रोन टेक्नोलॉजी में पॉलिटेक्निक के अंदर जिसकी शुरुआत हमने वर्चुअली उस समय की थी माननीय प्रधानमंत्री जी की भावना के अनुरूप, ये जो बच्चे हमारे हैं इन बच्चों ने जो ड्रोन बनाया है मैं इन सब बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ। पंख प्रोजेक्ट के जो हमारे प्रोजेक्ट मैनेजर हैं उनको भी बधाई देता हूँ कि कटनी के अंदर जो बच्चों ने तैयारी की बेहतर ड्रोन बनाकर आज वो इस तकनीक का उपयोग कर रहे हैं। कटनी के अंदर एग्रीकल्चर के फील्ड में, माइनिंग के फील्ड में, कई प्रकार के क्षेत्र में इसका बेहतर उपयोग हो रहा है। जिंदगी भर यही करते रहेंगे वो। कांग्रेस खत्म हो गई, वो ये करते रहे, हम अपना काम कर रहे हैं। मोदी जी के नेतृत्व में भारत बढ़ रहा है, ये तो हमारे नौजवान बताएंगे कि भारत कहाँ पहुँच रहा है और दुनिया प्रधानमंत्री मोदी जी को कैसे नमस्कार कर रही है। दुनिया का सर्वाधिक लोकप्रिय नेता भारत नहीं, दुनिया के अंदर कोई है तो 76% लोग कहते हैं कि दुनिया का लोकप्रिय नेता कौन है, तो भारत का प्रधानमंत्री मोदी है। ये कांग्रेस का काम आरोप लगाना ही बचा है, वो आरोप लगाते हैं। हम लोग यही गवर्नमेंट पॉलिटेक्निक के छात्र हैं, इस साल हमारा फाइनल ईयर चल रहा है। ये हम लोगों का फिफ्थ सेमेस्टर के एग्जाम्स हुए हैं। हम लोग सीएस ब्रांच से थे और हमने प्रोजेक्ट पंख पे जो फर्स्ट टाइम 29 तारीख को स्टार्ट हुआ था तब से हम लोग यहीं पे मतलब प्रोजेक्ट पंख की भी अब ट्रेनिंग ले रहे थे साथ में। हमारा जो इंटरव्यू था प्रखर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशंस करके कंपनी है दिल्ली बेस्ड, बेसिकली ये ड्रोन एविएशन और सॉफ्टवेयर के फील्ड में भी है। इन्होंने हमसे क्वेश्चंस पूछे थे ड्रोन में, आपने क्या क्या पढ़ा, मतलब कैसा आपका क्या नॉलेज है। सर मेरा चयन जो है वो प्रखर इंडस्ट्रीज में हुआ है। इसमें हमको आज यहाँ पास लेटर ऑफ इंटरेस्ट दिया गया है जिसमें कि हमको जैसे हमारा कंप्लीट होगा डिप्लोमा तो हम वहाँ जाकर ज्वाइनिंग लेटर के रूप में हम उसको देकर वापस ज्वाइनिंग कर सकते हैं। सो हमें जैसा कि बताया गया है ये दिल्ली की कंपनी है प्रखर सॉफ्टवेयर सॉल्यूशन पीवीटी लिमिटेड कंपनी है ये और इसका हेडक्वार्टर दिल्ली में है। कटनी से प्रवीण कुमार पाराशर की रिपोर्ट।